पेट्रोल डीजल की आसमान छू रही कीमतों ने किसान के लिए भी चुनौती बढ़ा दी है। किसानों की इन चिंताओं को देखते हुए हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को तैयार किया है। इस मॉडल को विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है और देश के किसी भी विश्वविद्यालय में ई ट्रैक्टर को लेकर ये पहला रिसर्च है। इस प्रोजेक्ट को फार्म मशीन एवं पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक और निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश जैन की निगरानी में बनाया गया है। प्रोजेक्ट की शुरुआत करीब 2 साल पहले हुई थी। इसके बारे में डॉक्टर जैन कहते हैं, देश में फिलहाल करीब 80 लाख ट्रैक्टर हैं। 30 हॉर्स पावर से कम के ट्रैक्टर द्वारा हर साल करीब 46 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन होता है। यदि डीजल इंजन की जगह बैटरी से चलने वाले ट्रैक्टरों को अपनाया जाए तो बड़े पैमाने पर प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। वो आगे कहते हैं कि देश में खेती के लिए औसत बिजली की उपलब्धता 2.5 किलोवाट प्रति हेक्टेयर है, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा करीब 15 किलोवाट का है। इस भारी अंतर के कारण मशीनीकरण की काफी गुंजाइश है और बैटरी से चलने वाले ट्रैक्टर को बढ़ावा मिलने से मशीनीकरण के स्तर को भी और ज्यादा बढ़ावा मिलने में मदद मिलेगी। अब कैसा है ट्रैक्टर का डिजाइन, आइए ये भी जान लेते हैं। वेंकटेश्वर शिंदे, जो कि इस डिजाइन को लेकर प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश जैन की निगरानी में रिसर्च कर रहे हैं, वे कहते हैं इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में 16.2 किलोवाट की लिथियम आयरन बैटरी लगी हुई है। इसमें 12 किलोवाट का इलेक्ट्रिक ब्रश सेल डीसी मोटर है जो 72 वोल्ट से चलता है और 1 मिनट में 2000 बार घूमता है। ट्रैक्टर के बैटरी को 9 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। बैटरी चार्ज करने के लिए 19 से 20 यूनिट बिजली की जरूरत होती है। सुविधा के लिए इसमें फास्ट चार्जिंग का भी विकल्प दिया गया है, जिसके लिए करीब 4 घंटे काफी हैं। एक बार चार्ज करने के बाद इस ई ट्रैक्टर को 1.5 टन के ट्रेलर के साथ 80 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है। इस ट्रैक्टर की अधिकतम स्पीड 23.17 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कितना खर्चा आता है ये भी जान लेते हैं। इसको लेकर डॉक्टर जैन बताते हैं कि खेतों की जुताई के लिए रोटावेटर और मोल्ड बोल्ट के साथ इस पर प्रति घंटा 323 रुपये और 301 रुपये का खर्च आता है। यदि हम समान क्षमता के लिए डीजल इंजन की बात करें तो इसमें 447 रुपये और 353 रुपये का खर्चा आता है। इस तरह डीजल की तुलना में इसे प्रति घंटा 15 से 25% तक पैसे बचाए जा सकते हैं। डॉक्टर जैन बताते हैं कि फिलहाल ये मार्केट में नहीं आया है और इसका सिर्फ प्रोटोटाइप तैयार किया गया है, लेकिन इसे जल्द ही मार्केट में लाने की पूरी तरीके से योजना बन रही है। वो कहते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल होने के कारण इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की कीमत फिलहाल करीब 6.5 लाख रुपए है। हालांकि समान एसपी वाले डीजल ट्रैक्टर में पर 4.5 लाख रुपए खर्च आता है, लेकिन यदि बैटरी से चलने वाले ट्रैक्टर को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है तो कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगा और इससे उनकी आमदनी में भी काफी बढ़ावा होगा। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।